इस टाइम पर हम खड़े देश को हैं। आजाद हुए 70 वर्ष से भी ऊपर हो गए, लेकिन देश में आज भी कई गांव ऐसे हैं जहां मूलभूत सुविधा सड़क उपलब्ध नहीं है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं नरसिंहपुर जिले की गाडरवारा तहसील के चिचली विकासखंड के ग्राम भीमखेड़ी की, जहाँ लोगों को बरसात के समय में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। यहाँ रोड ना होने के कारण लोगों को बरसात में पैदल चलकर अपना सफर तय करना पड़ता है। अगर ग्राम में वर्षा मौसम में कोई व्यक्ति बीमार हो जाए तो उसे भी पैदल चलकर अपना सफर तय करना पड़ेगा। आखिर इन लोगों की समस्याओं का अंत कब होगा? क्या कोई जनप्रतिनिधि या प्रशासन के अधिकारी इनकी सुध लेने वाले हैं या नहीं? हम तो यही आशा करते हैं कि इस खबर को हम अपनी प्रमुखता से दिखा रहे हैं और प्रशासन एवं जनप्रतिनिधियों से इनकी समस्याओं का तत्काल हल कराने का निवेदन करते हैं। यहाँ सरकार के तमाम वो वादों की पोल खोलते हैं जो सरकार और प्रशासनिक अधिकारी बैठकर कहते हैं कि हमने ये विकास किया। आइए हम जानते हैं यहीं के जो रहवासी हैं, इनसे जानते हैं आखिर क्या समस्या है और ये क्यों हो रहा है कि यहाँ रोड निर्माण नहीं हो पा रहा, या अधिकारी ध्यान नहीं दे रहे हैं या प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा। तो ये यहाँ के रहवासी हैं पवन शुक्ला जी, इनसे जानते हैं। यहाँ के अधिकारी वहाँ से बोलते हैं तो बोलते हैं जी गांव है नक्शे में नहीं है और जहाँ जी रोड है ना देवरी। किस 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 अधिकारी से आपने इस विषय को लेकर बात करी? आपके आपके सचिव जो सरपंच है, आपके जो सचिव सरपंच हैं, उन्होंने इसमें क्या कार्रवाई की? सचिव सरपंच से ही बोला और बड़े अधिकारियों से बोला, लेकिन बोल रहे ये गांव नक्शे में नहीं है, जो नक्शों में है ना वो देवरी यहाँ पर डामा लूट मोट चुका है। अच्छा, तो ये इसे किस गांव के नाम से जाना जाता है? खेड़ी नाम से जाना जाता है। लेकिन ये तो प्रशासनिक दृष्टि से अगर मैं देखूं तो इस पे बकायदा देवरी के नाम से इसके कागज हैं, जो स्कूल है वो देवरी के नाम से जाना जाता है। नहीं, सब वहीं आए थे जी, तो खेस्तान के यहाँ लेके। अच्छा, मुझे सरपंच द्वारा बताया गया है कि यहाँ पर थोड़ा सा बजरे का ये लोग हर साल प्रयोग करते, क्या ये सही है? हाँ ये तो सही, हर साल। अच्छा, हर साल यहाँ पर बजरा डाला जाता है जी। आखिर मुख्य कारण आप क्या समझते हैं, क्या है? अगर सरकार को दोष देंगे या यहाँ के प्रशासन को दोष देंगे या यहाँ के जनप्रतिनिधियों को दोष देंगे कि आज भी आप 70 साल की देश की आज़ादी के बाद भी आज आप मूलभूत सुविधाएं नहीं ले पा रहे हैं अपने गांव में, सरकार को दोष देंगे? तो आप देख सकते हैं यहाँ के जो रहवासी थे पवन शुक्ला, इन्होंने बताया कि यहाँ पे काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है और लोगों को काफ़ी कीचड़ और बरसात में काफ़ी निकलना मुश्किल। आप देख सकते हैं कई प्रकार से लोग जो मूलभूत सुविधाएं हैं आने जाने के लिए, ये देखिए आप सिर पर रख कर कई चीज़ों को ले जाना पड़ता है। और मैं प्रशासन से इस चीज़ के लिए ज़रूर गुहार लगाऊंगा कि इन लोगों की सुनकर तत्काल इस पर कार्रवाई करने की ध्यान दें, ताकि देवरी ग्राम पंचायत के लोगों को, देवरी गांव के लोगों को इस कीचड़ से मुक्ति मिल सके। पलाश शुक्ला की रिपोर्ट, न्यूज़ 99।